Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Varnama Mishra and today I am going to cover the topic of Ascone type of canal system. Aaj hum padhenge Ascone type of canal system in sponges. Ascone type padhne se pehle hum ye janenge ki kitne tarah ke canal system sponges mein paaye jaate hain. To types of canal system, kitne tarah ke canal system paaye jaate hain, isse pehle hum ye dekhenge ki canal system hota kya hai. वॉट इज कैनाल सिस्टम? कैनाल सिस्टम वो व्यवस्था है या वो अरेंजमेंट है जिससे कि स्पॉन्जेस की बॉडी में पानी एंट्री करता है, वॉटर एंट्री करता है और वॉटर एग्जिट करता है. तो जो वॉटर एंट्री का और वॉटर एग्जिट का जो रूट होता है पूरा, जो पाथ होता है पूरा, उस पाथ में जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, लाइक पोर्स बनते हैं, चैनल्स बनते हैं, चैम्बर्स बनते हैं, इस पूरे सिस्टम को ऑल टुगेदर जो एंट्री ऑफ वाटर और एग्जिट ऑफ वाटर तक कंटिन्यू रहता है, इसी को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम. नाउ द अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट स्पॉन्जेस. अकॉर्डिंगली द कैनाल सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स, एक्सोन, साइकोन एंड ल्यूकोन. फिर जो वाटर एंट्री और वाटर एग्जिट का जो पाथ है, जो रूट है, वो डिफरेंट स्पॉन्जेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का देखने का मिलता है. कभी कभी क्या होता है, ये जो पाथ है वो बहुत सिंपल होता है, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और कभी कभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो इसी के अकॉर्डिंग, इनके अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, स्पॉन्जेस में जो कैनाल सिस्टम है उसको हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है. पहला हमारा हो जाता है एस्कॉन टाइप, सेकेंड इज द साइकॉन टाइप एंड द थर्ड इज द ल्यूकॉन टाइप. और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एस्कॉन टाइप. इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज फाउंड इन एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस लाइक ल्यूकोसिलोनिया एंड इन ओलिंथस स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल साइकोनॉइड स्पॉन्जेस. तो जो सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है, दैट इज द सिंपलेस्ट, बहुत इजी पाथ होता है, बहुत इजी रूट होता है जिससे कि पानी इजिली एंटर कर जाता है स्पॉन्जेस की बॉडी में और इजिली एग्जिट कर जाता है, वो जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है वो हमें एस्कॉन टाइप में देखने को मिलता है. और एस्कॉन टाइप के जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ल्यूकोसिलोनिया एंड द ओलिंथस स्टेज. Its body surface is pierced by a large number of minute openings called incurrent pores or ostia. So, जो body होती है sponges की, उनमें बहुत ज्यादा large number, बहुत ज्यादा number में छोटे छोटे pores देखने को मिलते हैं, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं. इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है उसमें हमने जनरल कैरेक्टर्स में आपको बताया है कि ऑस्टिया क्या है. तो ऑस्टिया क्या है? एक माइन्यूट पोर्स है जो कि इनके आउटर साइड में बॉडी में स्पॉन्जेस में पाई जाती है. इन ऑस्टिया को हम इनकरेंट पोर्स भी बोलते हैं. इनकरेंट पोर्स क्यों बोलते हैं इनको? इन मतलब अंदर, करंट का मतलब, यहाँ पे करंट जो बात कर रहे हैं हम, ये वाटर के करंट की बात हो रही है. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि पानी का जो अंदर आना, जो एंट्री होती है, वो किसके थ्रू होती है? इन करंट पोर्स के थ्रू, जैसे कि इसका नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, इसका नाम कह रहा है कि इन करंट पोर्स, मतलब वाटर का अंदर आना जो है वो इन करंट पोर्स के थ्रू होता है, या फिर और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया. दीज पोर्स आर इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस विद इन ट्यूब लाइक सेल्स. दी पोरोसाइट्स. नाउ ये जो पोर्स होते हैं ये इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं विद इन द ट्यूब लाइक सेल्स. और वो ट्यूब लाइक सेल्स का नाम क्या है? वो ट्यूब लाइक सेल्स का नाम है पोरोसाइट्स. ओके, तो जो ये पोर्स होते हैं ये विद इन द सेल, सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. और वो सेल्स कौन सी होती हैं? वो पोरोसाइट्स होती हैं. इसीलिए उनका नाम ही पोरोसाइट्स पड़ा, क्योंकि पोरो मींस पोर्स का बनना, साइट्स मींस सेल. ऐसी सेल जिनके अंदर पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमने उसको बोला पोरोसाइट्स. और ये कैसे होते हैं? ये इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं.
इंट्रासेल्यूलर मीन्स सेल के अंदर विद इन दी सेल। तो यहाँ पे जो पोर्स बन रहे हैं वो ट्यूब लाइक सेल्स पोरोसाइट्स के अंदर, वो पोर्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ और दीज पोरोसाइट्स दे एक्सटेंड रेडियली इनटू द मेसेनकाइम एंड ओपन डायरेक्टली इनटू द स्पॉन्जोसीम। फिर ये जो पोरोसाइट्स हैं, क्योंकि पोरोसाइट्स जो होते हैं ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये इन बिटवीन द पिनाकोसाइट्स होते हैं। पिनाकोसाइट्स क्या हैं? जो कि आउटर कवरिंग ऑफ द स्पॉन्जेस को बनाते हैं, स्पॉन्जेस की लेयर जो होती हैं, आउटर कवरिंग की जो लेयर होती है पिनाकोडर्म, उसका फॉर्मेशन करती है पिनाकोसाइट्स। और इन पिनाकोसाइट्स में इन बिटवीन इनमें क्या पाई जाती हैं? पोरोसाइट्स। देन पिनाकोसाइट्स से ये पोरोसाइट एक्सटेंड होती हैं टू द मेसेनकाइम, और हमने आपको बताया था कि मेसेनकाइम क्या है। पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच में जो जिलेटिनियस स्पेस होती है, जिलेटिनियस मटेरियल होता है, उसी को हम कहते हैं मेसेनकाइम। और फाइनली ये जो पोर है ये ओपन हो जाता है कहाँ पे? इनटू द स्पॉन्जोसील में। द स्पॉन्जोसील इज अ लार्ज सिंगल लार्ज स्पेशियस सेंट्रल कैविटी इन द स्पॉन्ज बॉडी। स्पॉन्जेस की बॉडी में सेंटर पे जो लार्ज कैविटी पाई जाती है उसी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इट इज लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स। और ये जो स्पॉन्जोसील है ये अंदर की तरफ जो इनकी लाइनिंग है वो लाइनिंग किसके थ्रू होती है? वो लाइनिंग फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स के थ्रू होती है, और इन्हीं फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स को हम क्या कहते हैं? क्वानोसाइट्स कहते हैं। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हमने क्यों बोला? क्योंकि इन सेल्स में फ्लैजिला पाया जाता है और फ्लैजिला के अराउंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, और माइक्रोविलाई कॉलर लाइक अपीयरेंस शो करती हैं, इसीलिए हमने इनको बोला कि और सर्कुलर में फ्लैजिला को सर्कुलेट करती हैं, उसको राउंड करती हैं, सराउंड करती हैं, तो इसीलिए हमने बोला कि इट इज दी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल और क्वानोसाइट्स जो कि लाइन करती हैं स्पॉन्जोसील को, स्पॉन्जोसील की इंटरनल कवरिंग करती हैं। स्पॉन्जोसील ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ नैरो सर्कुलर ओपनिंग दैट इज नोन एज द ऑस्क्युलम। और जो स्पॉन्जोसील है, जो लार्ज कैविटी है, वो आउटसाइड, वो बाहर की तरफ खुलती है थ्रू अ नैरो सर्कुलर ओपनिंग, एक पतली सी गोल ओपनिंग के थ्रू, और उस ओपनिंग का क्या नाम है? उसका नाम है ऑस्क्युलम। एंड ये जो ऑस्क्युलम है लोकेटेड एट द डिस्टेंट फ्री एंड एंड ऑफन फ्रिंज्ड विथ लार्ज मोनैक्सन स्पेक्यूल्स। ये जो ऑस्क्युलम है ये डिस्टल फ्री एंड मीन्स फार अवे, दूर, काफी दूर प्रेजेंट होता है, और ऑफन फ्रिंज्ड विथ लार्ज मोनैक्सन स्पेक्यूल का मतलब है कि ये जो ऑस्क्युलम है इसके अराउंड क्राउन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है मोनैक्सन स्पेक्यूल्स। मोनैक्सन स्पेक्यूल्स क्या है? स्पेक्यूल्स हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो स्पेक्यूल्स हैं वो स्केलेटन सिस्टम में बनाते हैं, और ये जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे मोनैक्सन बोल रहा है, मोनैक्सन मतलब कि सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस या एक ही रे बन रही है और जो दोनों तरफ से पॉइंटेड है उसको हमने बोला मोनैक्सन स्पेक्यूल्स। लाइक दिस, एक ही सिंगल एक्सिस है और इधर से भी पॉइंटेड है और इधर से भी पॉइंटेड है, तो ये मोनैक्सन है। अगर यही तीन एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से तो ये ट्राइक्सन है, चार एक्सिस का हो जाता है तो वो टेट्राइक्सन हो जाता है। तो ये जो ऑस्क्युलम है ये सराउंड होता है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स से, और वो जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने होते हैं? मोनैक्सन स्पेक्यूल से। और ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर क्या हेल्प करता है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करता है ताकि अदर कोई एनिमल स्पॉन्जेस की बॉडी में एंट्री ना कर पाए और इजिली जो है उनका वाटर का फ्लो हो जाए और अदर कोई एनिमल एंट्री ना कर पाए और स्पॉन्जेस की बॉडी को हार्म ना पहुंचा पाए। ना जो भी हमने बताया आपको इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देखेंगे।
नाउ ये हम ए फिगर देखेंगे एस्कॉन टाइप और ये एग्जाम्पल लिया गया है ल्यूकोसेलोनिया का. सी जो आउटर कवरिंग है ये जो बाहर की तरफ की कवरिंग है इसको हमने बोला है पेनाकोडर्म. ठीक है, जो कि पेनाकोसाइट सेल से मिलके बनी होती है. ठीक, और जो इनर लाइनिंग है ये है हमारा स्पॉन्जोसील और जो इनर लाइनिंग है इंटरनल लाइनिंग है या इंटरनल कवरिंग है इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने कहा है क्वेनोडर्म जो कि क्वेनोसाइट सेल से मिलके बना है. पेनाकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच में जो जिलेटिनस सब्सटेंस जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं मीजेनकाइम. ठीक, और ये जो ओपनिंग्स ये हमें दिख रही हैं दिस इज नोन एज द डर्मल ऑस्टिया या इनकरेंट पोर्स हम इनको बोलते हैं. और ये जो ऑस्टिया है ये ओपन हो जाता है आके कहां पे, स्पॉन्जोसील में, जो कि हमने बताया स्पॉन्जोसील क्या है. स्पॉन्जोसील एक लार्ज सेंट्रल स्पेशियस कैविटी है जो कि स्पॉन्जस की बॉडी में सेंट्रल पे पाई जाती है. और स्पॉन्जोसील की एक सिंगल ओपनिंग है, नैरो है, सर्कुलर है, जिसको हमने क्या बोला, ऑस्क्यूलम बोला. और ये जो ऑस्क्यूलम है ये सराउंडेड होती है बाय मोनैक्सिन स्पेक्यूल से क्राउन के फॉर्म में ताकि और कोई फॉरेन बॉडी इनकी बॉडी में एंट्री ना कर पाए और कुछ भी हार्म इनको ना पहुंचा पाए. ये तो पूरी फिजियोलॉजी हो गई ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एस्कॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम. अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे ये कनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप का फंक्शन करता है. सी नाउ सराउंडिंग सी वाटर एंटर्स द कनाल सिस्टम थ्रू ऑस्टिया. तो हमने आपको बताया ऑस्टिया के थ्रू क्या है, वाटर एंट्री करता है. फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजेला ऑफ कॉलर सेल्स. और फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्लो है अंदर की तरफ आना बाहर की तरफ जाना ये सब कौन मेंटेन करता है, ये सब मेंटेन करता है फ्लैजेला ऑफ द कॉलर सेल्स. बेसिकली कॉलर सेल्स मेंटेन करती हैं. और ये कैसे मेंटेन होता है, बाय द बीटिंग ऑफ वाटर. जैसे वाटर अंदर आता है तो फ्लैजेलर सेल्स जो होती हैं, कॉलर सेल्स जो होती हैं, उन पे बीटिंग लाइक सेंसेशन का फॉर्मेशन होता है और उसी के थ्रू फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन रहता है. और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज स्लो, लेकिन जो पानी का जो बहाव है वो क्या होता है, स्लो होता है, कम रहता है. ऐसा क्यों है, बाहर की तरफ पानी जो है वो उसका जो फ्लो है वो कम रहता है. ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द लार्ज स्पॉन्जोसील कंटेन्स मच वाटर विच कैन नॉट बी पुश्ड आउट रेडियली थ्रू अ सिंगल ऑस्क्यूलम. क्योंकि जो स्पॉन्जोसील है वो एक लार्ज कैविटी है जिसमें वाटर एंट्री कर रहा है थ्रू लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स. ऑस्टिया के थ्रू जो कि लार्ज नंबर में है उसमें वाटर एंट्री तो कर जा रहा है इजिली, लार्ज कैविटी है, लेकिन एग्जिट नहीं कर पा रहा है क्योंकि कैविटी बहुत लार्ज है, पानी उसमें बहुत लार्ज है, लेकिन जो एग्जिट की जो कैविटी है जिसको हमने बोला ऑस्क्यूलम वो नैरो है, छोटी है, तो पानी धीरे धीरे वहां से फ्लो होता है. इसीलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है वो स्लो हो जाता है. कोर्स टेकन बाय वाटर करंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज मे बी शोन एज. अच्छा, जो पाथ है वाटर का, जो पाथ है एस्कॉन टाइप में वो कैसा है. पहला है इनग्रेसिंग वाटर. इनग्रेसिंग मतलब अंदर आता हुआ पानी. पानी जो अंदर आता है वो किसके थ्रू आता है, थ्रू ऑस्टिया के थ्रू. फिर कहां जाता है, लार्ज सेंट्रल ग्रेविटी में जिसको हमने बोला स्पॉन्जोसील. और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू जो कि आउटर ओपनिंग है जहां से एग्जिट होता है वाटर, और वहीं से वाटर क्या हो गया, बाहर चला गया टू आउटसाइड. मतलब इनग्रेसिंग वाटर थ्रू ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, देन थ्रू ऑस्क्यूलम टू आउटसाइड. यही एक फ्लो होता है वाटर का स्पॉन्जोसील एस्कॉन टाइप में. वाटर का जो फ्लो होता है उनका जो स्टेप्स है वो यही होता है. तो ये तो हमने पढ़ लिया फंक्शन के बारे में, और फंक्शन हम डायग्रामेटिकली भी आपको शो कर देते हैं.
सी, ये हमारी डर्मल ऑस्टिया है। डर्मल ऑस्टिया से वाटर की एंट्री हुई, यहाँ से पानी अंदर गया और फिर कहाँ पे चला आया, स्पॉन्जोसील में, यहाँ पे रहा पानी। उसके बाद वाटर जो है ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल गया, आउट, बाहर चला गया। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया इनके कनाल सिस्टम का। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हम क्यों कनाल सिस्टम, वाटर का मैनेजमेंट, उसका अरेंजमेंट, वाटर का आना, वाटर का जाना, हम क्यों स्पॉन्जेस में पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो ये स्पॉन्जेस हैं वो एक्वेटिक हैं, इनमें फर्दर कोई भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कि ये सारी अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी खुद कर सके। तो ये इतने केपेबल नहीं होते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बस सेल्यूलर है। जो भी करते हैं ये थ्रू सेल्स के थ्रू करते हैं। तो होता क्या है, पानी जो अंदर आता है और जो बाहर जाता है, वो पानी इनके लिए फूड ले आता है, खाना ले आता है, इनको ऑक्सीजन पहुंचाता है और इनके और इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए काम करता है। स्पर्म्स हैं, ओवा का फॉर्मेशन जो होता है, स्पर्म गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके फ्लो में हेल्प करता है, उसके ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो इसीलिए स्पॉन्जेस का कनाल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिविटी है स्पॉन्जेस की वो कनाल सिस्टम के थ्रू ही फॉर्म होती है, वही मेंटेन करते हैं। इसीलिए हम लोग कनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में पढ़ते हैं। सो यही था पूरा एस्कॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम के बारे में। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप भी देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। सो प्लीज टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू द सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच।